देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कसम से काहे जो कौवे बेल्ट में ना। अरे अरे तुम हम तुमने फेंको और का तुम कैसे घोड़ा बेच के सोई रही थे। सुना जे कोई बेल्ट मैन ना है बेल्ट वुमन है। तुम यार किस टाइप की औरत हो ऐसे को उठाते हो का कैसे जगाया हम तुम्हें हाँ तो कब जो तुम्हें आवाज दे रहे थे उठो उठो तुम तो घोड़ा बेच के कैसे सोए रहे हो। तुम ऐसे दर्द में काई बोल रही। हमारे पैर में मोच आ गई है हमें बिस्तर तक जानो हम हिलो ना पाए रहे हैं हमें आए के छोड़ दे थे। एक काम करो ऐसे पकड़ के ना खिड़की गर्दन निकाल लो बाहर तो तुम लुढ़क जाओ बढ़िया सो जाओ खर्राटी मार के। शर्म ना आ रही है ऐसे खड़े खड़े सो जाए तो हमारी कमर कमरा हो जाए अकड़ जाए। तुम्हें यही आधी रात के ये काम सोचते हैं पांव बैठो पे आराम से। अरे बाप रे अरे अरे बाप रे अरे बाप रे अरे बाप रे अरे राम 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 काय कर तू तुम्हें ऐसा टिका ले करी का लगो। अरे यार आधी रात के आदमी सो रहा हुए तुम्हें सोचा जो होगा हुए वो होगा कर तू जाती ऐसे कैसे मोच गो। अरे दादा मुड़ हैं मुड़ गो पे बाप रे मर गए काय कर लो जो तुमने। अरे लग रहो इतने नहीं थोड़ो और ऊपर पहले बताओ ना दवाई बर्बाद करवा रही तुम। अरे इतने उतने नहीं थोड़ो और ऊपर यार तुम क्या कर रही जो मैक्स और ऊपर हाँ बस इतने ही इतने इतने। अरे अम्मा मर गए अरे बाप रे तो तुम काय कर हमें लग रहा तुम्हें मलम लगात लगात ना हमें सारू बुखार चढ़ जाएगू। माया बुखार की दवाई है ना हमारे पास तो दे दियो। हमारी एक शर्त है। कौन सी शर्त? तुम्हें ना हमारे साथ इतने राजस्थान में आके रहने पड़े कहो मंजूर है? कर दें तुमने वही हरकतें छचोरी दो मिनट सारो आदमी ने दवाई नहीं लगाई फरमा से पहले हमारे संग गोइया नहीं अरे हम जी क्या आने पड़े होते हमें कौन जाने छह घंटा हर चीज में राक्षस आदमी है सही में अपनो काम करवाए ली सारे। अरे दादा मन करके आजा 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 आजा। अरे मैं ये कह रहा हूँ अंकल जी कितना टाइम और लगाओगे? लाल आजा 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 आजा। क्या बे चप्पड़ गंजू तू इधर क्या कर रहा है और ऐसे क्यों मुड़ा हुआ है कोई तकलीफ है क्या तुम्हें? ये गाना कौन गा रहा भाई? एक्चुअली आपका दामाद अंदर घुसे हुए हैं।
और मेरा यहाँ प्रेशर बना हुआ है, मैं इंतजार कर रहा हूँ वो बाहर निकले तो मैं अंदर घुसूं। ऐसा बोलो ना। अरे दमान जी, अंदर गाना क्यों गा रहे हो झोपड़ी के अंदर? अरे दादा, जब तक गानी ना गाएंगे तब तक चने बाहर ना आएंगे। गाना तो गाना पड़ेगा क्योंकि गेट में कुंडी नहीं है। गाना गाएंगे तो कोई अंदर नहीं घुस सकता, और गाना गाएंगे तो इट मीनिंग एक पंथ दो काज। अरे दमाद जी, इस बाथरूम में क्यों घुसे भाई? अरे उसको तो अपना बाथरूम। घुस जा तू भी। राजस्थान अम्मा स्थान। अरे चप्पड़ गंजू, ये क्या चक्कर है ये? अरे ये और पोले ने पकड़ पकड़। अरे ग्रैंडपा, योर डॉटर एंड ग्रैंडमा फाइटिंग जस्ट लाइक कैट फाइट एंड होम डिवाइडेड इन टू आइलैंड्स। अब हिंदी में बकले। इतनी देर से तो हूं करे जा रहे थे हैं। एक्चुअली आपकी लड़की और आपकी समधिन में झगड़ा हो गया है, और झगड़ा होने के कारण घर में विभाजन हो गया है, और आपके दामाद और मैं आजकल हम साथ में रह रहे हैं। अरे समधन जी, लल्ला। अरे समधि जी, राम राम। राम राम राम। अरे पापा, राधे राधे बोल ले। राधे राधे राधे। अरे समधन जी, हमसे क्या भूल हो गई जिसकी हमको सजा मिली? आपसे तो एक ही भूल भाई, ये जो भूल आपने पैदा कर दी ना, ये भूल के लाने ना हमारे घर में ने जेसूल पैदा है गए। अरे समधन जी, शूल नहीं, काटे काटे। ऐसा है पापा, जब खाद ही बेकार है तो जसूल तो उगे ही ना, कांटे तो उगे हैं, फूल थोड़ी उगे हैं बगिया में। सुन लियो। तभी मैं सोचूं इस हरा भरा बागान जो है बेजान नजर क्यों आ रहा है। काश आपकी इस भूल में इतनी सी भी अक्कल होती ना तो आज ये दिन ना देखना पड़तो। हाँ पापा, काश हमें अकल होती तो हम जो घर में ब्याह न करते, अपने घर में आराम फरमाए रहे होते। अरे पापा, आप कब आए? बेटा बस अभी आया हूँ, लेकिन यहाँ का माहौल देख के ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ की गलती कर दी। अरे पापा, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? रज्जो चाहे तो ये प्रॉब्लम 2 मिनट में सॉल्व हो सकती है। अच्छा ऐसो है बिन्नो, हमारे चाहन से कछु ना होते है, जो कछु अम्मा चाहती हैं वो ही होते। कहे अम्मा, देखो हम कोई बहस ना करेंगे। समधी जी, हम समझते हैं कि आपकी बिटिया है तो जाहिर है कि आप अपने बिटिया के संगे राजस्थान में रहेंगे। आप रहिए, हम कछु ना बोलने वाले, बस आपको जब अम्मा स्थान में आना होगा बता दियो, हम इंतजाम कर देंगे। अरे नहीं नहीं समधन जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन वो क्या है ना कि आप जो कर रही हैं बिल एकदम सही करें। सही कर रही है? ओ पापा, बिटिया मैं अम्मा ना है, ठीक है, पक्ष क्षमाओ ले ना। अम्मा की साइड कहीं ले रही हो? अम्मा की साइड नहीं ले रहे, सच्चाई की साइड ले रहे है ना अम्मा। आए हमारी बच्ची। समधि जी, काश आपकी बड़ी भूल आपकी छोटी बेटी की जैसी समझदार होती तो फिर बात ही कहा थी। अब समझन जी, आप कह रही हैं तो मतलब सही कह रही होंगी, लेकिन ये जो है ना बिमलेश है वो तो बेनी के साथ रहती है, और अगर आप ये सोच रही हैं कि राजेश और बिमलेश दोनों में अदला बदली हो जाए तो ये जो है मतलब नामुमकिन है। मैं माफी चाहूंगा। जे बुढ़ा ना एकदम सठिया गया। समधि जी, आप गलत समझ रहे हैं, हमारा ऐसा कछु मतबल ना हतो। बस आप तो शांति से राजस्थान में रहें, जब आना होगा बता दियो। अच्छा, हम चलते हैं। राम राम। हाँ, बिल्कुल, लेकिन समधन जी मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं अभी आपके स्थान पे नहीं रह पाऊँगा। हाँ बिल्कुल, कैसे पापा तो हमारे साइड रही हैं। कहे पापा। ना ना लल्ला, मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रहूँगा ना। कहे
कोई बात नहीं पापा, आप मेरे साथ रह लेना। नहीं, तुम बेनी के साथ रहो बेटा, मैं जो है ऐसा करो, गेट के बाहर खाट डालो और वहां जाके पड़ जाओ चुपचाप। जाओ जल्दी जाओ। मैं क्या चौकीदार हूँ जो बाहर खाट लगा के पड़ा रहूं? अरे समधन जी, ये घर का विभाजन देख के ना मेरा मन जो है विभाजन हो गया है, तो मैंने ये फैसला किया है मैं जो है अपने दमान हप्पू के साथ रहूंगा। ठीक है, जहाँ आप सुख से रहें मोस्ट वेलकम। आने को मूड होगो ना तो बता दियो। हाँ 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 बिल्कुल। हमसे बात ना करियो। अरे लल्ला मेरे, ये लो नाराज हो गई। अरे दादा, अरे धमान जी एक मिनट पकड़ बेटा। अरे दादा एक मिनट, धमान अभी बात मत करो। दादा कट्टर रानी, ये काहे को यहाँ से वह चक्कर लगा रही हो है? अरे भाई तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, फिर शुगर बढ़ जाएगी, उसके बाद तुम्हें चिंता हो जाएगी। तो? चिंता था, चिंता चिंता था। शर्म करो, जे उम्र में ऐसे ऐसे करोगे ना कमर लचक जाएगी। ओ कट्टर रानी, मरने के बाद ये सब कुछ नहीं होता, मरने के बाद सारी कष्टदायक सेवाएं बंद हो जाती है। कष्ट दे रहे हो, देख नहीं रहे हम इतनी चिंतित हैं दसवें के लाने। वही तो कह रहा हूँ, चिंता मत करो, चिंता चिता समान होती है। तुम्हें चिता पे लेटना है क्या? हम अपनी चटाई पे लेट रो जाते हैं और हम चाहते कि हम औलाल हमारे सिराने बैठ के हमारी खोपड़िया दबाए। मेरा बस चले तुम्हें रखला दबा के साथ ले जाओ। क्या बोले? कुछ नहीं बोला। हाँ फिर ठीक है, हम ना अपने लाल के संगे ना माँ बेटे वाले पल बिताना चाहते हैं। ये सोचने से पहले ना बंटवारे के बारे में सोच लेना चाहिए था। क्या कहना चाह रहे हो तुम? वही कहना चाह रहा हूँ कि बंटवारे का आइडिया तुम्हारा था, वो अफवाह को पता है, वो तुम्हारी बात कभी मानने वाला नहीं है। नहीं होगो, जरूर होगो। कैसे? तुम देखना, हम अपने जिगर के टुकड़े हपुआ को अम्मा स्थान में ला के रहेंगे। कैसे लाओगी? हम अपने देश को सबसे पावरफुल हथियार का प्रयोग करेंगे। ओ मतलब ममता अस्त्र है? गैस अस्त्र का। हम ऐसा नाटक करेंगे कि हमें भयंकर गैस आ रही है और हम अवलाल भागता दौड़ता हमारे पास आ जाएगा और जैसे आएगा हम उसे धर पकड़ लेंगे और ममता की बेड़ियों में जकड़ लेंगे और जे कटोरी की भीष्म प्रतिज्ञा है। अरे दवान जी, मैंने शेर लिखा है। अरे बात ससुर जी, तुम तो शेर लिखन लगे। उससे शेर लिखे होंगे, शायरी लिख के शेर को मारे दिए होंगे के बारे में। अरे बेटा पहले सुन तो लो, तारीफ करने के लिए भरपूर समय मिलेगा। एसाद अर्ज किया है, दुनिया में कितने रिश्ते हैं, दुनिया में कितने रिश्ते हैं, कितने सवाल और जवाब। सबसे अनूठा रिश्ता है दोस्ती का, सबसे अनूठा रिश्ता है दोस्ती का, जैसे शराब और कबाब। और अब तुम अपनो मुंह बंद कर लियो ससुर नवाब। अरे दमान जी तुमको कैसे लगा? एकदम घटिया भैया, तो कोई मतलब है क्या? शराब और कबाब की दोस्ती हो सकती है? नहीं नहीं हो सकती, एकदम हो ही नहीं सकती है। शराब जो है इसे
लीले वाली चीज है और कबाब ऐसे पेलने वाली चीज है। दोस्ती दोस्त होते ही हैं लीलने और पीलने की लाने, समझ रहे? लेकिन हमने सही दोस्ती हमने निभाई, सच्ची दोस्ती। ना जाने कितने लोग हमें लील गए, पील गए, धोखो दे गए, खा पी के पैसा डकार गए। ऐसा है क्या ससुर जी, लील और पेल के जो निकलने वो होता है मतलबी, और हम मतलबी बिल्कुल नैना। ठीक है ठीक ठीक, मैं समझ गया। अरे तुम मेरी बात है, ना तुम मतलबी हो ना तुम मतलबी हो, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। तुम दोनों की दोस्ती तो ऐसे है जैसे कि अमर और प्रेम। कितना अच्छा लगता है सुनने में ना, बिल्कुल एकदम मधुर संगीत की तरह। दुनिया संगीत गाली है, गाली बेनी नाम ही अपने आप में एक गाली है। अच्छा तो बेनी नाम अगर गाली है तो हप्पू नाम क्या? हप्पू तो एकदम नाली है, वो भी गंदी नाली का सड़ा हुआ बदबूदार। कैसे ठहर जा। अरे अरे आराम से दबा दे। भाई ससुर जी जब भगवान से प्रार्थना है, बेनी जैसे लीचड़ वकील को कोर्ट कचहरी से खदेड़ दो, चाहिए जाकि जनता को विश्वास फिर से बन पाए। अरे हटाओ ऐसे लीचड़ों को। हमारी भी सुन लो, हमारी एक विनती है। अरे रुको एक मिनट, हमारी भी एक विनती है भगवान का, कि जितने भी लोग बाहर सोए हुए हैं खुले में, उन सबको बेल्टमैन आए के कूटे बुरी तरह से, एकदम सुथुर दे, कि उनको जो है ना कानून के ऊपर से घटिया विश्वास है ना, हो उड़ जाए और खुद की सुरक्षा स्वयं करने लगे। सब बकवास है, बेल्टमैन है ही नहीं है कानून पर। अरे अब बोल, गुइया ने पता है तुमको अपने शहर के बारे में कहा हो रहा है, कहा चल रहा है? तुमसे ज्यादा पता। हाँ पता है, होता तो अपने अदालत कोर्ट कचहरी के बारे में नहीं पता। अच्छा सुनो, ऐसा अगर तुमको पता होता तो तुमको तुम कुछ कर भी लिए होते आज तक। साला एक 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 दुतिया ने कर दिया। बंद 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 बंद। अबे क्या बोल रहा है? अबे यार जल गए क्या? जल गए से बोल रहे हिंदी में? कबा जल गए यार, जला दिया। कोई नहीं बेटा जी, कोई कोई नहीं, आराम से आराम से। कछु करन को है ही नहीं यहाँ, कछु भी कह रहे हो अपने तोंदू मल को मिस तो बहुत कर रहे हैं। बिन्नू कहीं, बिन्नू क्या खबर है? अरे खबर सुनेगी ना तो तेरे होश उड़ जाएंगे। अच्छा अम्मा का सुलह करना चाह रही है हमसे? अरे अम्मा सुलानी सुलगाने वाली पार्टी है। का? नहीं अब का सुल गई है बे? अरे तुझे पता है रज्जो, अम्मा है ना बीमारी का नाटक करने वाली है ताकि जीजू को दया आ जाए और अम्मा बोले इतिको इतिको और जीजू अम्मा की साइड चले जाएंगे। अच्छा मतलब कि कौआ जो है वो हंस की चाल चल रहा है। ये तू अम्मा को कौआ क्यों बोल रही है? ना ना हम तो अम्मा की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन हमारी अम्मा जो है ना वो इतो काँव काँव करती हैं कि मतलब तो इंसान अब भाई उपमा दिए ना, वो इतो काँव काँव करती हैं कि मतलब तो इंसान अब भाई उपमा दिए ना। हाँ बात तो तेरी सही है रज्जो, पर तू करेगी क्या? बिन्नो हम का करें वो तुम हम पे छोड़ दो। सुनो तुम एक काम करो, अपने जीजा से कहो कि हमें उनसे मिलने हैं, ठीक है? राम नारायण मार्केट में आए जाएं चाट वाले की दुकान पे। और हाँ दोए नोट पैड दोए पेन संगे लेके आए, ठीक है? हम तो ही उनको इंतजार करिए, बाकी हम सब देख लिए, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है, चल रख रही हूँ। कमलेश यार
अर्थी बहन आओ दो हाथ कम थोड़ा कम पी लिया करो यार। रात को पानी पी लिया था ना। पानी नहीं पिया आपने। चलो खोलो यहाँ पे। दामाजी के कौन हुआ आधी रात के गुर्दा छील गो। अरे दादा